तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ मैट्रिक्स। तो हमने जब सिलेबस कवर किया था, जब हमने क्लासेस लगाई थी, तो मैंने ये सारा आपको पहले करवा चुका हूँ। जस्ट हम क्विक रिविज़न कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स क्या है कि इट इज़ एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। रेक्टेंगुलर एरे क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है, किसका? नंबर्स और फंक्शन का। रेक्टेंगुलर एरे मींस द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन रेक्टेंगुलर ग्रिड। कैसे? देखो, ये कोई अरेंजमेंट है कुछ नंबर्स का। पहली लाइन में कितने हैं? 3। दूसरी में कितने हैं? 3। ये देखिए, फर्स्ट लाइन में 2, इसमें 2, इसमें 2। तो ये एक रेक्टेंगुलर एरे आ गए नंबर्स का। ये कुछ फंक्शन हो सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आपने एग ट्रे देखी होगी। तो एग ट्रे में जो एग हैं वो ऐसे इस फॉर्म में होते हैं। कितने होते हैं इसमें? 24। चलो जितने होंगे मान लो, यहाँ पे मेरे ख्याल से 12 होते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 और 4 फर्स्ट रो में, सेकंड में 4, थर्ड में। तो ये क्या है? दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेक्टेंगुलर ग्रिड। और इसे हम कह रहे हैं कि ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। अब ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स का और फंक्शन का, उसे हम मैट्रिक्स करेंगे कहेंगे। कब? जब मैं इन ऑब्जेक्ट्स को किसी ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और मान लो ये 3 यहाँ पे नंबर में के नंबर डाल देता हूँ, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। तो मेरे पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया फर्स्ट लाइन में, ये सेकंड लाइन में, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में। इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल लेटर से। आप इसे ए, जैसे मैं इसका नाम ले लेता हूँ ए, आप ए से लिख सकते हैं, बी से लिख सकते हैं, एक्स वाई सो ऑन। लिखना आपने कैपिटल लेटर से है, और इसके बीच में जो नंबर हैं अगर वो लेटर्स आते हैं तो आपको स्मॉल लेटर में यूज़ करना है। जैसे मान लो कि बी सेट है, बी एक यहाँ पे मैट्रिक्स है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट हैं, सेट ऑब्जेक्ट हैं, वो मान लेते हैं ए बी सी डी है। तो इस दोनों रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब मैट्रिक्स में क्या आया? लाइंस हैं, ऐसे भी लाइंस है, ऐसे भी लाइंस है, ऐसे भी लाइंस है। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट लाइन है इसको हम बोलते हैं रो। फिर इस तरफ हम अगर बात करेंगे तो ये रो है, अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो ये कॉलम है। तो जैसे ये फर्स्ट लाइन है तो हम फर्स्ट रो बोलेंगे, और इसे हम बोलेंगे सेकंड रो। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं ऐसे बात करता हूँ तो ये कॉलम 1 है, कॉलम C1 से रिप्रेजेंट करेगा, इसे मैं C2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज़ कॉलम नंबर 2। अब इसे अब अगर जनरली आपने डिनोट करना है तो वो कैसे करेंगे? रो को हम डिनोट करेंगे M से, और कॉलम को हम डिनोट करते हैं N से, ठीक है। तो इसमें M रोज, इसमें N कॉलम्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस वाले B वाले मैट्रिक्स में हम चेक करें तो मेरे पास रो कितनी बेटा, कॉलम कितने जी? 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग सिंपली है कि उसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने रो बैठे और कॉलम कितने हैं? 2। इसे रिप्रेजेंट करता हूं एम से, इसे करता हूं, लिखेंगे कैसे? M क्रॉस N। और अगर ये B है
इसका मैं ऑर्डर लिखना अगर ऑर्डर ऑफ बी दैट इज एम क्रॉस एन दैट इज टू क्रॉस टू जनरली आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये देखो जी ए आई जे इसमें एलिमेंट है और इसका जो ऑर्डर है एम क्रॉस एन और हमेशा आपने जो फर्स्ट प्लेस पे वो रो लिखनी है सेकंड प्लेस में आपने कॉलम लिखना है ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स तो वो आपने वीडियो देख लेना है वहाँ से आपको वो डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये ए आई जे इसके हमने जनरल एलिमेंट ले लिया अगर मैं यहाँ पे वन की बात करता हूँ तो वन का क्या पोजीशन है पोजीशन का मतलब किस रो पे है किस कॉलम पे है तो ये जो वन एलिमेंट है किस रो पे है बेटा तो मैं अगर इसे ए रिप्रेजेंट करता हूँ सपोज करो तो फर्स्ट आई की वैल्यू कितनी बेटा और यहाँ पे कॉलम कौन सा है तो ये आ गया तो यहाँ पे आई की वैल्यू वन जे की वैल्यू तो ए वन वन कितना आ गया ठीक है ए वन वन कितना आ गया। सिमिलरली अगर मैं फाइव कहता हूँ कि फाइव की पोजीशन क्या है तो फाइव जो है वो किस पोजीशन पे है पहले तो ये रो चेक करेंगे तो यहाँ पे रो लिखेंगे पैरों में फिर हम देखेंगे कॉलम कौन सा है सेकंड तो ये इसकी पोजीशन है ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो i और j है इनकी वैल्यू कहाँ तक जाती है पहले क्या है तो i की वैल्यू बेटा वन से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी और सेकंड j जो है उसकी वैल्यू वन से लेकर कहाँ तक जाएगी एन तक। यहाँ पे देखिए कितनी रो है तो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट आएंगे ये ए वन वन ये क्या बन गया ए वन टू ए वन थ्री तो वन तो थ्री मतलब यहाँ पे क्या जे है ना तो जे जहाँ पे तीन कॉलम थे एक से लेकर तीन तक चले गए सिमिलर ये क्या है ए टू वन ए टू टू ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का अगर इसे नोट करना है तो आप कर लो। तो ये पहला क्वेश्चन है आपको एक मैट्रिक्स गिवन है तो तीन हमारे पास क्वेश्चन है पहला क्या है कि ऑर्डर ऑफ ई इसका ऑर्डर फाइंड करना जी ऑर्डर मीन हाउ मैनी रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स तो इसका कितना ऑर्डर है तो यहाँ पे रो गिन लेते हैं वन टू थ्री और कॉलम वन टू थ्री फोर दिस इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। सेकेंड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो या तो वन बाई वन सारे मल्टीप्लाई ऐड करके देख लो या फिर इधर क्या तरीका है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जो आपको ऑर्डर गिवन है आप उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उतने ही आपके पास क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि आपने ये वाले जो पोजीशन लिखी है मैंने एलिमेंट्स की ये आपने बताने हैं तो ए वन थ्री फर्स्ट रो और थर्ड एलिमेंट चलिए नेक्स्ट टू वन टू थ्री थ्री माइनस और ए टू फोर श्योर और ए टू थ्री टू थ्री फाइव बाई ठीक है जी। तो नोट कर लो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपने क्वेश्चन क्या करना है कि आपने कंस्ट्रक्ट करनी है एक मैट्रिक्स टू बाई टू और मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए आई जे टाइप उसमें एलिमेंट है और ए आई जे है क्या आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू तो आपने एक मैट्रिक्स बनानी टू बाई टू। टू बाई टू का मीनिंग है कि जो आपने रो बनाने हैं वो बनाने बेटा टू और कॉलम भी आपने कितने बनाने हैं टू ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आई की वैल्यू है वो टू तक जाएगी वन से लेकर टू तक और जे की वैल्यू भी वन से लेकर टू तक जाएगी तो हमारा जो पहला एलिमेंट है वो मान लेते हैं ए वन वन तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पे ये बनानी है ए आई जे आपको ऐसे डिफाइन किया
तो आई वन है, जे वन है, क्योंकि यहाँ पे आई वन ले लिया आपने, तो इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4/2 दैट इज 2। फिर आपने क्या ए वन टू, मतलब फर्स्ट रो ही रहने देने आपने, पहले फर्स्ट रो के जितने एलिमेंट आपको बोलेंगे उतने बनाने हैं। उसने कहा कि कॉलम कितने, 2। पहले हम रो फर्स्ट ही रहने दिया, कॉलम पहला ले लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं कि रो फर्स्ट रहने दिया, अब कॉलम सेकंड ले लिया। अब जैसे हमने ये ए वन टू लिया, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार बनना ना, हमने ये बनाना है, क्योंकि उसने कहा 2x2 मैट्रिक्स बनाए जिसमें रो कितने होंगे, 2, कॉलम कितने होंगे, 2 होंगे, और पोजीशन पता है कि ये ए वन वन है, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, तो हमारे पास आ गया ए वन टू। अब ए वन टू का मतलब आई की वैल्यू बेटा और जे की वैल्यू, तो 1+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये बन गया 9/। सिमिलरली ए टू वन, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए टू वन, 2 का मतलब आई टू जे वन का होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना बन गया ये, कोई प्रॉब्लम, ए टू टू, तो आई भी 2 जे भी 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज 16/2 इज 8। आपने अब इनके वैसे ही पोजीशन जहाँ जहाँ है वहाँ पे आपने लिख देना है, और कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे भी गलती कर देते हैं लिखने में, ये कई बार ऐसे लिख देंगे जैसे हमने फर्स्ट रो के जो एलिमेंट लिया फर्स्ट रो में ही लिखने हैं, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है, और सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, और ये कितना 8। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स 2x2। सिमिलरली जैसे मान लो यहाँ पे 2y×3, ऐसी मैट्रिक्स आपको बनाने आ जाए, सिमिलर ऐसे ही आपको कौन से एलिमेंट और चाहिए सर, मतलब आपके पास क्या बढ़ गया, एक कॉलम बढ़ गया। एक कॉलम बढ़ने से क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे क्या एक्सटेंड हो जाएगा, ए वन थ्री, ए टू थ्री, ये आपके पास एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2×3 है, ठीक है, तो एक आपका कॉलम बढ़ गया, ठीक है। तो चलो नोट कर लो इसे। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। नंबर 1, ऑर्डर इज सेम, 2 मैट्रिक्स हैं अगर उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ए आई जे उसके एलिमेंट हैं, बी ले रहा हूँ वी आई जे 2, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर m×n है, और इसका भी क्या होना चाहिए बेटा, मतलब यहाँ पे m m के इक्वल होना चाहिए, n n के इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, एलिमेंट्स, अब जब मैं a और b की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू corresponding elements of B, कैसे, देखो एक सेट ये ले लिया मैंने, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1, 0, 2, 5, और दूसरा मैंने मैट्रिक्स ले लिया 1, 0, 2, 5, तब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। देखो क्यों इक्वल है, पहली कंडीशन है ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर का मतलब है कि इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम हैं। सेकंड है कि एलिमेंट्स ऑफ ए, इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जिस प्लेस पे एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स में उसी प्लेस पे होना चाहिए। जैसे 1, इसकी फर्स्ट प्लेस जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो इसे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू b, इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स हैं दे आर
इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। और इस इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, दिस इज सिक्स क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट है कि दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल कह रहा है, इक्वल का साइन दे दिया उसने, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। और कहता है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करें। अब जब कोई मैट्रिक्स इक्वल है तो हमारे पास क्या रिजल्ट है कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं दे आर इक्वल। यहाँ पे आपको इक्वल नहीं दिख रहे, लेकिन जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई इक्वल मैट्रिक्स में, इक्वल मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है, एक तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दे आर इक्वल। तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसका मतलब ये एलिमेंट इसके इक्वल होने चाहिए, मैट्रिक्स की डेफिनेशन इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन चाहिए ना। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ये इक्वल है, यहाँ पे लिख लें एक्स प्लस वाई टू फाइव प्लस जेड एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सिक्स टू फाइव एट। अब हमने प्रूफ थोड़ी करना है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है, ये हमें गिवन है क्योंकि बीच में क्या साइन है, तो ये हमें गिवन है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो अगर इक्वल हैं तो ऑर्डर तो पहले सेम है इसके, अगर इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सिमिलरली फाइव प्लस जेड इज इक्वल टू, तो फाइव प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव, तो जेड इज इक्वल टू, तो जेड की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे टू की जगह टू है और साथ में है एक्स वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ से एक वैल्यू इसमें पुट कर लो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से वाई ले लो तो मेरे पास आएगा एक्स इंटू सिक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से वाई की वैल्यू ले लो ना, इसमें पुट कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ गया, सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एट, तो ये आ गया जी एक्स स्क्वेयर, राइट हैंड साइड ले लेते हैं माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू, तो क्या फैक्टर बन गए, हाँ जी अब ठीक है, x माइनस फोर एक्स माइनस, तो कितना आ गया जी x की वैल्यू टू कॉमा फोर, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू, इफ x बेटा टू तो y कितना, फोर, क्योंकि y कितना है, तो इफ x इज इक्वल टू, तो y कितना बेटा टू, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। और भी क्वेश्चन है इस जैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके चलिए नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो जैसे हम रियल नंबर्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैट्रिक्स में भी वैसे ही हम करेंगे, बस इसमें ये है कि जब आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है इसमें जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का वही मेथड है कि आप जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली, ये देखो ए और बी दो मैट्रिक्स ले लिए, तो हमने इनका एडिशन करना है। इसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, आप जो है YouTube पे जो वीडियो है लिंक में दिया है वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसकी एडिशन कर रहा हूँ। एडिशन का मीनिंग क्या है देखिए जी, ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों को ऐड करने जा रहा हूँ। तो ऐड करने में सबसे पहले दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम है। ऐड करना है तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, तो यहाँ पे टू और इसका जो फर्स्ट प्लेस पे कितना है, इसका क्या है 4 + 3, और यहाँ पे 3 - 2 क्योंकि माइनस लगा इसके साथ, तो 2 + और ये मेरे पास आ गया 3 - 7 - 1 - 7, दिस इज योर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन में क्या होना था कि यहाँ पे माइनस आ जाना था, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस हो जाना था, यहाँ माइनस होना था, सिंपली ठीक है, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 2x+3y इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पे 3x+2y ये इक्वल टू मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो x और y है दे आर मैट्रिसेस, मतलब वो मैट्रिक्स हैं। हमने फाइंड करना है x और y। जैसे आप लोअर क्लासेस में 9th और 10th में आपने लीनियर इक्वेशन को फाइंड किया था तो वहाँ पे वेरिएबल होते थे एक्स वाई, तो वहाँ से आप एक्स वाई फाइंड करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा है, लेकिन यहाँ पे अब एक्स वाई की जगह पे मैट्रिक्स है और लीनियर इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है। तो लीनियर टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, दो मेथड हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हम कोई भी दो मेथड में से एक यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशियंट आप सेम कर लें। तो यहाँ पे मैं एक्स के वेरिएबल सेम करना चाहता हूँ जो कोफिशियंट है, तो इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे कोफिशियंट सेम आ जाएंगे। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। तो मेरे पास आएगा कि इक्वेशन नंबर 1 को मैं कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, ठीक है। और दोनों प्लस है तो फिर मैं क्या करूँगा, इनको माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख क्या बन गया, ध्यान दे, अगर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, गलत भी नहीं होना चाहिए आपका। तो मैं 3 से कर रहा हूँ बेटा 6x 9y। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। तो ये है 2 3 4 0, आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से कर रहे हैं। तो जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है सबको, तो ये जो हर एक एलिमेंट है इसका, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। और क्या मैं इसे डायरेक्ट लिख दूं, ये इसमें एक एडिशन है क्योंकि 3 इसके बाहर मल्टीप्लाई था। तो मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लाई करे तो वो जो स्केलर है उसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली आपने इसे 2 से किया, ये कितना गया मल्टीप्लाई करके 6x 4y, और आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया बेटा 4 -4 -2 10। और मैं ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट अब पॉजिटिव हैं, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए इसके साइन चेंज करने हैं। ये कैंसिल, 9 में से 4 चला गया और अब इसे माइनस कर रहा, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दे, आप चाहे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, तो एक एक और स्टेप बन चलना था आपका, ठीक है। तो मैंने ज़रा डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, आप ऐसे आप डिफरेंस, तो डिफरेंस का क्या मेथड है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपने माइनस करना है। तो ये 6 है, 6 में से 4 जाएगा बेटा, 9 में से 4 जाएगा, लेकिन ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस है, कितना आ जाएगा 12 में से -2 दैट इज 10, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस होगा। 0 में से 10 जाएगा और आ गया जी 5y, और आप 5y है जो 5 डिवाइड करेगा। तो मैं एक स्टेप को खा रहा हूँ, आपने पूरा कर लेना, ठीक है। मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 जैसे 1/5 आएगा, तो अंदर हर एक के साथ 1/5 मल्टीप्लाई होगा। ये कितना आएगा, 2/5, ये कितना आएगा, और ये कितना, 2 की -2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। अब वाई आ गया, अब आगे फिर आपके पास आप दो मेथड से कर सकते हैं, या तो जो हमने ये पहले वाला मेथड यूज़ किया वही कर ले, या फिर y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे फिर उसको सॉल्व करें। तो आपको जैसे ठीक लगता आप वैसे करें। तो मैं एलिमिनेशन मेथड से ही कर रहा हूँ, ठीक है, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, होगा तो दोनों जैसा ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से क्या कर रहा हूँ कि अब मैं y के कोफिशियंट को इक्वल कर रहा हूँ। तो मैं पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर माइनस इक्वेशन नंबर 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आपने एक चीज़ नोट रखनी है कि इक्वेशन का जो नाम लिखा है 1 को मैं सर्कल में लिखा, तो आपने भी यहाँ सर्कल में ही लिखना है, इसे चेंजेस नहीं करना। कई बच्चे क्या कहते हैं, यहाँ सर्कल कर दिया, यहाँ ब्रैकेट लिख दी,
वो सेम चीज़ रहेगी आपकी। तो वन को टू से मल्टीप्लाई करें तो कितना गया बेटा, 4x, यहाँ पे कितना 6y, और इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन गया, और ये सिमिलरली इसे आप किस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से, कितना गया जी 9x, 6y, और इसे 3 से करेंगे, -6 -3 50, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, -, तो यहाँ पे देखो 9 मेरे पास बड़े आ गए ना, ये 9 4 से बिगर है, तो माइनस आंसर ये कैंसल। यहाँ पे देखिए 4 6 8 0 और -6 -6 -3 50। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, सिंपल, हम जो आप प्रीवियस क्लास में करते आ रहे हैं। चलिए माइनस कर दें, 4 -6 -6 -6 +12 के, और यहाँ पे 8 प्लस हो जाएगा 0, ये तो यहाँ पे आप है मेरे पास स्पेस, तो मैं सारा ऐसे कर देता हूँ आप, ठीक है। तो क्या होगा, -1.5 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई का, याद रखना कि जब ये एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई स्केलर आता है तो वो मल्टीप्लाई में है, तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। तो करें, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2/5 प्लस के माइनस, और ये, और ये माइनस के नहीं प्लस के 3, तो सिर्फ यहाँ पे आप एक्स की मैट्रिक्स भी आ गई और वाई भी आ गई, ठीक है, ओके। तो बाकी क्वेश्चन भी इस 3-point एक्सरसाइज में ऐसे ही हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैंने लिंक दे देना है, तो वहाँ से आप जो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं तो वहाँ से आप क्वेश्चन जो है देख लेना, लेकिन देखने तभी जब आपको कोई डाउट आए, पहले आपने खुद की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी।